हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं आज एक सॉफ्टवेयर लेकर आया हूँ जिससे आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उस ऐप का नाम है लोमा वीडियो कॉल। ठीक है दोस्तों, उस सॉफ्टवेयर का नाम है लोमा वीडियो, और इसमें खास बात यह है कि आपको कहीं से भी आप बड़ी आराम से वीडियो कॉल कर सकते हैं, चैटिंग भी कर सकते हैं, वॉइस कॉल भी कर सकते हैं, जिसमें आपको इस सॉफ्टवेयर में एक खास बात है कि अगर आप कहीं से दूसर अदर कंट्री से आप बात करते हैं तो आपको VPN लगाने की ज़रूरी नहीं पड़ेगा। जैसे आप WhatsApp से बात करते हैं तो WhatsApp से बात करने के लिए आपको अदर कंट्री से VPN लगाने की ज़रूरी पड़ता है, जो कि VPN लगाने अलाउड नहीं है। अगर VPN लगा करके आप किसी से बात कर रहे हैं, अगर आप पकड़े गए तो आपके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है, इसलिए VPN का यूज मत करिए। मैं ये जो सॉफ्टवेयर बता रहा हूँ, इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप अच्छा से वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, और इसमें आपको VPN लगाने की भी ज़रूरी नहीं है। तो इस सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल कैसे करिएगा, आपके पास कैसे आएगा? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। आप उस लिंक पर जाकर क्लिक करिएगा, आपको डायरेक्टली आपको प्ले स्टोर पर लेके जाएगा और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को भी वो लिंक शेयर करके आप अपने दोस्तों से डाउनलोड करवा सकते हैं। और ये ऐप बिल्कुल नया है और एकदम परफेक्ट है और एकदम सिक्योर भी है। इसमें आपको डाटा कोई मिक्स होने वाला नहीं है। मैं बता दूं आपको, WhatsApp आपको डाटा मिस यूज करता है, लेकिन इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपको कोई डाटा मिस यूज नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको नहीं मालूम कि ऐप कैसे चालू होगा तो आप ये वीडियो पूरा देखते रहिए, मैं आपको सारा बातें बता दूंगा। इसमें इस ऐप को कैसे चालू करना है, कैसे बातें करना है, इसमें कैसे लॉगिन होना है, सारे बात मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि और भी अच्छा, इससे अच्छा वीडियो आएगा वो आपको तक मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ पे एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद में आपको सीधे यहाँ प्ले स्टोर पर लेके आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप इस प्ले स्टोर पर आ जाने के बाद में आप यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो मैं इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ सिंपली इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद में ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये थोड़ा सा 52 MB का ये ऐप लग रहा है, 52 MB का ऐप है, जल्दी हो रहा है ये डाउनलोड। लोमा वीडियो चैट्स ऐप है ये, आप इसको सिंपली अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिएगा। अब ये इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल हो जाने के बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ कि इस ऐप में करना कैसे है। तो यहाँ सिंपली डाउनलोड हो चुका है इस ऐप ये अपने। अब मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ।
ओपन पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस आ जा रहा है, तो यहाँ सिंपली कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू कर देने के बाद में फिर से यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो भी आपसे इंफॉर्मेशन मांग रहा है वो दे देना है, यहाँ पे अलाउ कर देना है। अलाउ कर देने के बाद में आपको यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करने के लिए कह रहा है, आप जो भी कंट्री में रह रहे हैं वहाँ उस कंट्री का यहाँ कोड यहाँ पे डाल देना पड़ेगा। कोड डाल देने के बाद में यहाँ नीचे में मोबाइल नंबर फिल कर देना है। तो मेरा जो भी मोबाइल नंबर है वो फिल करके मैं आपको बता देता हूँ। खोल करके हमने ये नंबर डाल दिया है, अब इसको सिंपली यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ ओके पे क्लिक कर देना पड़ता है, तो ओके पे हमने क्लिक कर दिया। इसके बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा, ओटीपी इसमें डाल देना है। तो यहाँ पे आ चुका है मेरे पास, देख सकते हैं ओटीपी आ चुका है। ओटीपी डाल देने के बाद में इस तरीके का आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ इंटर योर पिन नंबर मांग रहा है। यहाँ पे दोस्तों आपको 4 रंग का पिन नंबर डाल देना है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे डाल दीजिएगा, चाहे जो भी आपको डालना हो वो नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं अपना हिसाब से डाल लेता हूँ, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। और इसके बाद यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, ये पिन नंबर फिर से डाल देते हैं, फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। तो देख रहे हैं दोस्तों इस तरीका से ये खुल गया। इसके बाद यहाँ पे आप फोटो पे क्लिक करके आप अपना इमेज लगा सकते हैं, आप अपना फोटो लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो ईमेल आईडी लिखा हुआ है यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम आप अपना लिख सकते हैं, मैं अभी नहीं लिखूँगा, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसके बाद यहाँ नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक कर देने के बाद में दोस्तों इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। इस तरीके का इंटरफेस आ जाने के बाद में दोस्तों अब यहाँ से आप कुछ भी काम कर सकते हैं, कॉलिंग कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। और करना कैसे, यहाँ नीचे पेंसिल का जो निशान है इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद भी साइड में देख रहे हैं दोस्तों कि सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आ चुका है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ नोट टू सेल्फ पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ नोट टू सेल्फ पे क्लिक कर देने के बाद में यहाँ नीचे में देख रहे हैं प्लस का निशान है, इस प्लस के निशान पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ नीचे गैलरी, गिफ्ट, फाइल, कॉन्टैक्ट ये सब मिल जाता है। तो आप यहाँ गैलरी अगर खोलते हैं तो यहाँ अलाउ करना पड़ेगा, सबसे पहले अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद में इस तरीके से आपको गैलरी खुल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद फिर से यहाँ क्लिक करते हैं, और यहाँ गिफ्ट है तो गिफ्ट के हमको खोलने की ज़रूरी नहीं है, यहाँ फाइल है तो आप फाइल खोल सकते हैं, और यहाँ कॉन्टेक्ट है तो आप किसी भी कॉन्टेक्ट यहाँ पे आ चुका है, आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए आपको किसी को भी यहाँ पे क्लिक कर देना है, और यहाँ फिर से मैं कॉन्टेक्ट पर क्लिक किया और किसी को फ़ोन करके बता देता हूँ। आप जिसको फ़ोन कर रहे हैं उसके पास ये ऐप होना ज़रूरी है, अगर उसके पास ये ऐप नहीं होगा तो कॉल नहीं हो सकता। जिस तरीक़े से आप ईमो से कॉल करते हैं तो अगला के पास भी ईमो का ऐप होता है, तभी आप ईमो पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। जिस तरीक़े से व्हाट्सएप पर भी उसी तरीका कर सकते हैं, व्हाट्सएप होने के बाद ही आप कॉल कर सकते हैं, उसी तरीका उसके पास भी ऐप होना ज़रूरी है। अगर अगले के पास ऐप है या नहीं है वो उसको पता कैसे करिएगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं जो
फोन का आइकन बना हुआ है, इस पर लॉक लगा हुआ है, तो इससे पता हो जाएगा। आप यहाँ इनवाइट करने के लिए यहाँ पेंसिल के निशान पर क्लिक करिएगा। पेंसिल के निशान पर क्लिक करने के बाद में उसका फिर नंबर देना पड़ेगा, नाम है ये है उसका, और मोबाइल नंबर दे देना है, फैमिली में कौन फैमिली है वो चूज कर देना है। ये सब आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ना भी करिएगा तो भी कोई बात नहीं। सिंपली यहाँ नीचे शेयर के बटन पर क्लिक कर देना है। शेयर पर क्लिक कर देने के बाद में इस तरीका का है जो आप इनवाइट करते हैं, आप किसी को पास फोन करते हैं और अगले के पास वो ऐप मौजूद नहीं होता है, तो उसके लिए आपको इनवाइट का ऑप्शन आ जाता है। तो इनवाइट जो आप करते हैं, इसके बाद आपको इनवाइट तो मेन अकाउंट से बैलेंस कट जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें यही इनवाइट कर देता है वहाँ पे नंबर से इनवाइट कर दिया, तो आप उसको वो फिर ऐप इंस्टॉल कर लेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद में यहाँ देख सकते हैं ऊपर में वीडियो कॉलिंग ऑडियो कॉलिंग का ऑप्शन आ चुका है। आपको अगर कोई भी सेटिंग करना है तो आप इस तरीका से 3 डॉट पे क्लिक करके आप कोई सा भी सेटिंग कर सकते हैं। एकदम सिंपल है दोस्तों, थोड़ा सा समझने की बात है। ये ऐप अभी नया नया लॉन्च हुआ है, थोड़ा सा इसको सपोर्ट की ज़रूरी पड़ेगा। आप इस ऐप को इस्तेमाल करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, तो ये आपको एकदम परफेक्ट काम करके देगा। ठीक है दोस्तों, अगर एक बार आप समझ जाइएगा तो ये ऐप चलाना आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। तो बस अब यही था हमारा समझाना। अब आप प्ले स्टोर में जा कर के इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, हमारे लिंक पे क्लिक करके, और अपने दोस्त को पास भी लिंक भेज दीजिएगा और वो भी इंस्टॉल कर लेगा। इसके बाद आप आराम से बात कर सकते हैं। आई होप आपको ये सॉफ्टवेयर अच्छा लगा होगा। अपने बात तो नहीं किए होंगे, लेकिन आप इंस्टॉल ज़रूर किए होंगे, इंस्टॉल कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी इंस्टॉल करवाइए और उनसे खुल के बातें करिए, और ये एकदम फ्री ऐप है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।